बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और मैं बना रही थी आलू कोफ्ते, कोफ्ते का सालन बना रही थी। मतलब मैं कैनन्स के मंगवाए थे, अपने घर में नहीं बनाए। तो मैंने कहा चलो रेसिपी, अभी तो मेरा कैमरा ही ऑन नहीं हो रहा था, कुछ मसला था इसमें, तो मैंने इसलिए नहीं बनाए, मतलब नहीं बना सकी हूँ मैं जो इसकी रेसिपी थी। तो वहाँ से पानी डालना थोड़ा सीधा। और इसमें मैंने डाल दिए हैं अंडे, नहीं आलू सॉरी। और बस ये घर के ही मसाले, हल्दी थी आधी टीस्पून और डेढ़ टीस्पून मैंने डाली है लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक। यही अपने घर के जो मसाले होते हैं यही मैंने डाले हैं। थोड़ा सा इसमें डालती हूँ पानी क्योंकि साफ लग रहे हैं ये बिल्कुल ही। तो थोड़ी सी इनकी बुनाई करके फिर मैं इसमें दही डाल दूँगी क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छा स्पाइसी और दही वाला जो शोरबा होता है ग्रेवी वो मुझे पसंद है। तो दो टमाटर डाले थे इसमें और बस ये छोटे से मैंने कहा चले मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। लेकिन उस वक्त मेरा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था, इसमें कोई मसला हो गया था, तो अभी ठीक हुए और अभी बना चुकी हूँ। थोड़ा सा इसको और मैं करती हूँ, तो फिर बर्तन शर्तन सारे पड़े हुए हैं अभी इसी तरह धोने वाले हैं। और ये रोटियों का छाबा भी अभी इस तरह ही पड़ा है, रुमाल धोए थे मैंने रोटियों वाले तो फिर इसी तरह रख दिए हैं। और बर्तन शर्तन अभी धोने वाले पड़े हुए हैं सारे, तो धोने भी ये कैनन्स के ही मैंने मंगवाए थे आज। मैंने कहा चले यही बनाती हूँ क्योंकि मुझे मतलब मटन मुझे पसंद नहीं है और बीफ खाना मना है, तो इसलिए फिर मैंने ये चिकन के ही मंगवा लिए। मैंने कहा चलो यही आज बना लेती हूँ क्योंकि देर हो गई थी, और इसलिए फिर जल्दी जल्दी से यही बन सकें। तो बस मसाला भूनती हूँ इसका अच्छे से बुनाई करके, तो फिर इसमें इंशाल्लाह मैं पानी ऐड कर दूँगी थोड़ा सा, मतलब पहले दही डालूँगी और उसको भून के फिर मैं थोड़ा सा हल्का सा आधा से गिलास में पानी का डालूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा और आज मेरे पास बच्चे आए हैं, बस बस नहीं करो गिरा दोगी पानी, खेल रही है उसके साथ, तो मैंने कहा पानी गिरा ना देना कहीं। बस ये छोटे छोटे से काम होते हैं मेरे, आज तो सारा दिन फारिग ही नहीं हुई हूँ, मेहमान आ गए फिर उनके साथ लगी रही हूँ और फिर खाना वाना खिलाया और उसके बाद वो चले गए, तो मैं इतनी थकी हुई थी कि किचन बस साफ किए, बर्तन शर्तन धोए हैं और दोबारा मैं सो गई हूँ, तो इसलिए फिर और कुछ नहीं बना सकी। मैंने कहा चल यही आज बना लेती हूँ। सब्जियां तो पड़ी थी परसों, कल मैं गई थी बाहर तो सब्जियां तो ले आई थी काफ़ी सारी,
तो ये अल्लाह का शुक्र है कि टमाटर थोड़े से सस्ते हुए हैं, वरना 200 हमारे पास पिंडी में तो 200 रुपये किलो, और अभी आ गए हैं 100 रुपये पे। तो पहले 120 हुए, फिर 100 रुपये, मैंने कहा चले अच्छा हो गया कि थोड़े सस्ते हो गए। अभी फिर रमज़ान आने वाला है इंशाल्लाह, और फिर चीज़ें महंगी हो जाएंगी। चले अल्लाह मालिक है, अल्लाह वाली गारस है। और प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब किया करें और लाइक भी कर दिया करें। कोई बात नहीं है, वो मेरे भाई हैं तरबेला गाजी में, उनको हमने मैसेज किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वो कह रहे हैं कि उम्र कितनी है और ये और वो है। तो सामने मैं नहीं आती हूँ, मैं भी आप लोगों की मतलब कौम बोलें या बलादरी बोलें, तो साइड पे अपना होके अपना काम करती हूँ। तो ऐसी बातें ना किया करें। किसी की मजबूरी होती है, कोई सामने आ जाता है, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई शर्म नहीं है। अपने हक हलाल के कमा रहे हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी अपनी मेहनत कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला मेरा साथ देने वाला है और आप लोग हैं, तो बराए मेहरबानी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। खुद ही मैं सबके चैनल को मैं देखती हूँ, वीडियो जिसकी मुझे अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मैं लाजमी उसको लाइक भी करती हूँ और सब्सक्राइब भी करती हूँ। तो इससे कोई वो बड़ी बात नहीं है कि कोई क्यों किसी का करें भाई चैनल सब्सक्राइब, ऐसी कोई बात नहीं है। रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, तो अगर मेरे नसीब में हुआ तो मैं भी इंशाल्लाह मुझे भी मिलेगा। तो मैं किसी का हक तो नहीं मार रही हूँ, मैं भी अपनी मेहनत ही कर रही हूँ और अपनी मेहनत से ही आगे आना चाहती हूँ। और आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और मुझे आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी, मेरी हिम्मत बढ़ाओगे तो मैं आऊँगी आगे। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे जी। और ये छोटी सी मेरी वीडियो थी, और वीडियो के एंड करती हूँ जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।